हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई और बहुत झटपट से बन जाता है। बनारस का सबसे फेमस मिठाई है मगदल। तो इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे मूंग दाल से बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसमें हम आधा लीटर रिफाइंड डाल रहे हैं और इसे गर्म होने देते हैं। जब ये आधा लीटर रिफाइंड है तो इसमें 1 केजी मूंग का दाल रहेगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये पिसा हुआ मूंग का दाल डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं दरबरा है, ज्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको। और इसे हम इसमें डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम सारे मूंग के दाल को इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम को धीमा कर दीजिएगा डालते वक्त, नहीं तो ये जल जाएगा। और ये जब भूनिएगा तो धीमी आंच में ही भूनना है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएगा लेकिन अंदर इसके कच्चापन रह जाएगा। और इसे इसी तरह से घुमाते हुए लगातार भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए, हमें भूनते हुए 15 से 20 मिनट हो गया है, अब ये कितना हल्का हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई की खासियत यही है कि जब इसको लगातार आप चलाते हुए भूनेंगे तो ये हल्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत झटपट से ये मिठाई बनकर रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी बनता है। इसमें आपको चाशनी वासनी का झंझट नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये अब कलर चेंज हो गया है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक बड़ा थाली ले लिए हैं और इसमें इसको हम पलट देंगे। इसको आप कढ़ाई में बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो कढ़ाई जब गर्म रहता है तो ये बहुत जल्दी लाल हो जाता है, तो इससे हमारे मगदल का जो कलर है वो खराब हो जाएगा। अब जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे कुछ करना नहीं है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे उतारने के बाद भी इसको थोड़ी देर तक हम फेंट लेंगे ताकि ये और भी हल्का हो जाए। इसकी यही खासियत है, ये जितना फेटेंगे उतना हल्का हो जाएगा, इससे आपकी मिठाई बहुत टेस्टी बनेगी और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। तो ये लीजिए, ये अब ठंडा हो गया है। इसको हम आपको चला के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये तेल पूरी तरह से छोड़ दिया है, लेकिन ये तेल अभी हमें निकालना नहीं है। इसमें हम जब चीनी डालेंगे तो ये सारा तेल उसमें सोख लेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पिसा हुआ चीनी डाल देंगे। ये एकदम ठंडा हो गया है, आप चेक करके डालिएगा। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसमें चीनी डालना होता है। यहाँ हम चीनी को भी बारीक पीस लिए हैं, ये नॉर्मल चीनी है, इसे हम बारीक पीस कर ले लिए हैं। देखिए, इसमें हम इलायची को भी पीस लिए हैं, इसमें इलायची भी डालना होगा फ्लेवर के लिए। तो ये चीनी 1 किलो है, जितना मूंग का दाल रहेगा उतना चीनी भी इसमें लगता है। अब हम सारे चीनी को इसमें मिला देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम सारे चीनी को इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम हाथ से ही अच्छे से मिलाएंगे, हाथ से ये बहुत बढ़िया मिलेगा, पलटे और चम्मच से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप दोनों हाथों से इस तरह रगड़ते हुए इसको अच्छे से मिला लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मगदल है बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आपको बनाने में थोड़ा हाथ में तो ये लग ही जाएगा, लेकिन ये बहुत आसानी से छूट जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसे छुड़ाना है। तो इसको एक स्पून की सहायता से हम छुड़ा लेंगे, बहुत आसानी से छूट जाएगा। ये अच्छे से मिल गया है, अब हम इसको छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना आसानी से ये छूट गया है। तो चलिए, बस इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको इस तरह से लंबे कर लेंगे, इसे गोल गोल लड्डू की तरह नहीं बनाना है और इसको ऐसे कट करते जाएंगे और इसका शेप ऐसे ही रहता है, ये बहुत ही बढ़िया बनता है इसी शेप में। तो अब हम इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम सारे मगदल को बनाकर रख लेंगे।
आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये बन जा रहा है। इसे आपको लड्डू बनाने की कोई झंझट नहीं है, ये ऐसे ही बस कट करके रखते जाना है। इसी तरह हम सारे मगदल को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे मगदल बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर काजू का टुकड़ा लगाते जाएंगे। ये एकदम मार्केट की तरह बनकर रेडी हो गया है हमारा मगदल। तो आप भी इसी तरह बनाकर जरूर ट्राई करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिस्ता है उसे भी आप इस पर कट करके लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना कुछ लगाए भी। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को आप बनाकर 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, इतना बढ़िया ये मिठाई है। तो इसे एक बार बनाकर आप जरूर ट्राई करिए। अगर आप हमारे वीडियो एंड तक देखे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।